दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की हुई बैठक, लगभग 25 उम्मीदवारों पर मुहर लगी है। महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, ये कहा गया है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता और अब पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तो जानकारी के अनुसार बैठक में महाराष्ट्र चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई, जिसमें की 25 के करीब चेहरों पर सहमति बन पाई है। देखिए, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, मतभेद है और हम उसे सुलझा लेंगे। फिलहाल ये सीईसी की जो बैठक हुई थी, 25 उम्मीदवारों को लेकर के मुहर लग चुके हैं कांग्रेस की ओर से, और साथ ही ये माना जा रहा है कि अब तक जो भी उलझने रही थी उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। यानी कि आपको याद होगा कि कैसे सीट बंटवारे को लेकर भी एक फॉर्मूला तय किया जाना था। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप लिटिल बिट डिफरेंस वॉइस विल बी देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट वी हैव अ कॉमन गोल to bring back Maharashtra to the old glory. There was Mahavikas Akadi will fight and win the election. Differences there are, we will settle it. क्रिकेट के मैदान में सेंचुरी तो सब बनाना चाहेंगे, अब वो सामने वाले तरफ से भी बोलिंग होगी, कई परिस्थितियां हैं, विकेट कैसा है, सब देख के करेंगे। अलायंस पार्टनर्स हैं, इट्स डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है कि इजीली सब डिक्लेयर हो जाए। चल रहा है, वी आर हैविंग वेरी सीरियस डिस्कशंस, आदान प्रदान भी अच्छा हो रहा है, देयर इज अ हेल्दी एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स व्यूज, सो वी शुड वेट अ लिटिल।